बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डिज़ाइनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश आबाद रहें अपने घरों में, और ऐसे ही मेरी हर निवाने वाली वीडियो को लाइक करते रहें, यहाँ से आइडियाज़ लेते रहें और एंड तक देखते रहें। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाई ही बस आपके आइडियाज़ के लिए जाती हैं कि आप घर बैठे बिठाए सबसे बेस्ट कलेक्शन देख सकें और यहाँ से आइडियाज़ लेकर इस तरह की चीज़ें परचेज करते रहें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही बेस्ट खुस्सा के डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप जानते हैं कि खुस्सास पहने हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, और मोस्टली गर्ल्स को खुस्सास पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए बनाई गई है, उनके आइडियाज़ के लिए बनाई गई हैं। मेरी इस वीडियो में आपको हर किस्म की खुस्सा की कलेक्शन देखने को मिलने वाली है, और ये सारे के सारे डिज़ाइंस बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे खुस्सास हैं। कुछ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, कुछ के ऊपर छोटी छोटी लेसेस लगाई गई हैं, और कुछ प्रिंटेड खुस्सास हैं जो कि पहनने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये सारे के सारे कलेक्शन बहुत ही कलरफुल है, अपने ड्रेस के साथ मैच करके इस तरह का खुस्सा बहुत आसानी से बाजार से परचेज कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और बाद में बाज़ार से इस तरह के कुर्तास परचेज़ कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो में आपको वेडिंग कुर्ता के डिज़ाइन भी देखने को मिलने वाले हैं, और कुछ सिंपल कुर्ताज भी हैं जो आप अपने कैजुअल सूट के साथ पहन सकते हैं। कुर्ताज हर ड्रेस के साथ पहनने में बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे आप लॉन्ग फ्रॉक पहन रहे हों, चूड़ी पजामा के साथ कुर्ता पहना हुआ बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप शलवार कमीज के साथ कैप्री के साथ खुद से कैरी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और ये सारे के सारे डिज़ाइंस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को तो लाजम प्रेस कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।